तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका अपने सुपर की एक और नई अट्रैक्टिव वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहां पर फुल रिव्यू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की फुल्ली न्यू ब्लूप्रिंट 2021 की। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, विषय केमिस्ट्री, यहाँ पर एमपी बोर्ड की हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यानी आपकी केमिस्ट्री का कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड की न्यू ब्लूप्रिंट जो लेटेस्ट आई है उसके विषय में हम यहां पर बात करेंगे। दोस्तों, फुल्ली ब्लूप्रिंट एकदम न्यू होगी और ये है आपकी 2021 की ओरिजिनल ब्लूप्रिंट। तो चलिए देखते हैं इसमें इस बार क्या क्या नए बदलाव हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं, इस बार ब्लूप्रिंट जितनी भी आई हैं वो नए नए परिवर्तनों के साथ ही आई हैं, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट हैं इस बार और सालों से अलग आई है थोड़ी सी। तो देखिए दोस्तों, ब्लूप्रिंट इस बार हर साल जैसी नहीं आई है, जैसे कि पार्ट वाइज इस बार यूनिट वाइज दी गई है। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंटों की लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई सर समझ नहीं आ पा रही है। तो भाई इस बार जो वीडियो में आपको अगर समझ आती है तो आप कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो बनाई भी इसलिए भाई आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए करें सब्सक्राइब, साथ ही दबाना ना भूलें इस बेल आइकन को। इंट्रो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आप बेल आइकन भी दबा देंगे क्योंकि अगली सारी ब्लूप्रिंट्स आपको, मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं किया है घपोला, यहाँ पे मैं टोटल एक, मतलब मैं उस तरीके से समझ भी नहीं आता, तो सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग से दूंगा। तो चलिए सब करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट। हम यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इकाई के विषय में दिया हुआ है। देखिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले से आपका दिया हुआ है इकाई क्रमांक, जिसमें आपको यानी आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो आपकी जो इस बार आपकी जो ब्लूप्रिंट है वो पार्ट वाइज नहीं है। पहले दिया जाता था एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, अब आई हैं ब्लूप्रिंट्स यूनिट एक, यूनिट दो, यूनिट थ्री, यानी तीन यूनिट्स में डिवाइड होकर आपकी ब्लूप्रिंट बनाई गई। हालांकि यूनिट ज़्यादा है केमिस्ट्री में, बट ये यूनिट किसकी बनाई गई है, आपकी ब्लूप्रिंट की। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपकी यूनिट एक यानी इकाई क्रमांक एक आपकी ये स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपकी पांच पार्ट आते हैं। कौन से? आपके ठोस प्रावस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन। इस टोटल एक यूनिट के फाइव पार्टों में से आपका 24 अंक का टोटल आने वाला है। इस बार परिवर्तन ये है कि इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है उसमें से दो नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। यानी आपका हर साल क्या होता था, दो दो नंबर के क्वेश्चन आते थे, बट अब दो नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आपके तीन नंबर के, चार नंबर के और पाँच नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, परिवर्तन ये भी हो गया है कि आपके जो आपकी जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के अंदर आपको पार्टों में दिया हुआ है, यानी टोटल आपका इन पांचों पार्टों में से 24 नंबर का आने वाला है, जिसमें से अब आपको किस पार्ट में से कितने अंक आएगा वो दिया हुआ है। ये नहीं दिया कि इसमें से आपकी ओटी इतने नंबर की आएगी, तीन नंबर का एक आएगा, चार नंबर का एक आएगा, वो नहीं दिया। इस बार डायरेक्ट दिया है सात नंबर का ठोस अवस्था में से, यानी आपके अंक ये प्रश्न क्रमांक सात, तीन अंक ये प्रश्न दो, तो इस तरीके से डिवाइड कर जाए टोटल, मतलब 24 अंक का आने वाला है। तो उसमें आपके टीचर लोग इसमें कंफर्म कर लेंगे किसमें से कितना फंस रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आप नंबर दो में आपके पी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, उप संयोजी रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। हालांकि ये आखिरी वाले क्वेश्चन की आशा किसी को नहीं थी कि भाई ये आ सकता है, लेकिन ये फिर भी आ गया है। तो दैनिक जीवन में रसायन ये दिया हुआ है, इसमें आपके टोटल 18 नंबर का आने वाला है, जिसमें से आपके आंकिक प्रश्न चार आने वाले हैं, मतलब मैं आपके एक एक नंबर के, देखिए पहले अलग अलग दिया जाता था कि एक नंबर का एक ऐसे, इस तरीके से नहीं दिया, हालांकि फिर तो दिया है अंकित प्रश्न, यानी एक एक नंबर के चार क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, साथ ही साथ चार अंक के वो आने वाले हैं। इसके बाद आपके जो ये हैं डी और एफ ब्लॉक, ये उप से संयोजी, मतलब ये पी और डी एफ ब्लॉक एक उसमें आ गया। इसके बाद आपका उप से संयोजी, इसमें से आपके दो अंक का प्रश्न, साथ ही साथ छः अंक का, इसके बाद जो है उसमें से आपका आठ अंक का आने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। साथ ही साथ सभी लोग लाइक करना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हेलो एल्केन, हेलो आइंस, और इस तरीके से तीन यूनिट्स में ये लगभग पांच पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें आपको आंकिक प्रश्न भी दिए हुए हैं। ये आंकिक प्रश्न 10 आने वाले हैं इन दोनों पार्टों में से, यानी एल्कोहल फिनोल ईथर और एल्कोहल एल्केन हेलो आइंस, इस तरीके से, और इसमें से 10 अंक का टोटल यानी 28 नंबर का वो तो फुल्ली आने वाला है। तो दोस्तों, ये रही ब्लूप्रिंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्लूप्रिंट में ये वाला पोर्शन थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ही ये जो आपकी ब्लूप्रिंट है इसी तरीके की दी गई है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन दिए हैं। अब आप इन इस वाले पोर्शन पर बिल्कुल ध्यान ना दें, आपको ध्यान देना है 24 अंक वाले पोर्शन पर, यानी 24 अंक, 18 अंक और 28 अंक। इसमें आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपको फुल्ली आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। ब्लूप्रिंट से कुछ नहीं होता, वो तो कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों ब्लूप्रिंट एकदम सही होगी, इसी के अनुसार पेपर आएगा। तो आपको बस यहाँ पे अंदाज़ा लगा लेना है किसमें से कितने अंक का आने वाला है, और 24 अंक वगैरह का
तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा जो ब्लूप्रिंट है हमने यहाँ पे बता दी है। साथ ही साथ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो MPBSC नितिन की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।